इट्स ओम शांति एंड गुड इवनिंग सभी। 3 मिनट के लिए बिल्कुल ही साइलेंस में चलेंगे, एकांतवास, अंतर्मुखता, जिसमें हमारे विचारों की संख्या स्वतः ही कंट्रोल होने लगती है और सबसे सहज तरीका है ध्यान का स्व के साथ रहना, बीइंग विद द सेल्फ। क्रियाहीन हो जाना, कुछ न करना, साक्षी हो जाना, तटस्थ रहना। सभी अपने ध्यान को आंखें बंद रखते हुए रिलैक्स मोड में सांसों की तरफ देखें। सभी अपने आप को जस्ट बी विथ योर ब्रीदिंग। सबसे सहज तरीका है ध्यान का, मेडिटेशन का, आनापान, सांसों को देखना, साक्षी हो जाना। सिंपली यू हैव टू बी विथ योर थॉट्स, ओ सॉरी, विथ योर ब्रीदिंग। Radhika, I'm going to ask you the question. Please be very attentive. Be fully conscious, aware. Keeping the body straight, steady, relaxing. और पूरा का पूरा ध्यान नासिकाओं पर टिका हुआ, सांसों के प्रति सजगता, जागरूकता, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। जितना हो सके सांसों की नजदीकियों को बढ़ाते चलें, गेट क्लोजर टू ब्रीदिंग। पूरी तरह एनग्रॉस्ड इन वॉचिंग द सेल्फ, योर ब्रेथ, जो कनेक्ट करती है आपके बॉडी और माइंड को, एक ऐसा सेतु जो आपको तन से मन, तन को मन से जोड़ता है। प्राण वो सेतु है जिसके साथ हम जुड़ते हैं अपने मन से, बॉडी टू माइंड। यस, नाउ सभी धीमे से आंखें खोलें। राधिका, आई लाइक टू हियर फ्रॉम यू, कैसा लगा आपको आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ वॉचिंग द सेल्फ, योर ब्रेथ? यस राधिका, प्लीज बताइए मुझे। यस सर, क्या लगा, कैसा लगा आपको? हाउ डू फील? व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन अबाउट योर ब्रीदिंग, अपने माइंड, ये व्हाट एवर योर एक्सपीरियंस, प्लीज शेयर। अभी मैं इतना अच्छे से तो नहीं कर पाई, आई कुडंट कंसंट्रेट मच। ओके, लाइक देयर वर स्टिल लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आई कुडंट कंसंट्रेट मच, बट थोड़ा बहुत रिलैक्स, लाइक 20% रिलैक्सेशन। ओके ओके, फाइन, एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। मैं कुछ प्राणायाम आपको कराऊंगा और उस प्राणायाम से आप देखोगे कि आप इजीली कंसंट्रेट कर पाओगे, राइट? तो सबसे पहले पहले आज हम ये बात समझते हैं कि जितने भी मानसिक रोग होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी होते हैं ना, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक अटैक्स हैं, या तो फिर फोबियाज हैं, पानी का डर, ऊंचाई का डर, बंद कमरों का डर, क्लोज स्पेसेस, राइट?
ये सभी की सभी जो बातें, चाहे ओसीडी, ये सब मानसिक रोग हैं और इसका इलाज, क्योंकि मानसिक रोग है मन को सशक्त करने से ही होता है। अगर दवाइयां लोगे डॉक्टर से तो ये आपको थोड़ा इज आउट कर सकती है, बट दे कैन नॉट ब्रेक द पैटर्न ऑफ ओसीडी, राइट? सुबह से 6 बार फोन किया है और वो आज अभी आई नहीं है स्टेशन। देखिए 6 बार मुझे फोन किया है सुबह से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर स्टेशन, और अभी नहीं है, अभी गायब है यहाँ से। एनीवे वी विल कंटिन्यू। देखो अब सबसे पहले पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे दिमाग में पैटर्न्स कैसे बनते हैं, राइट? मन का काम है विचार करना। मन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, बाहरी मन, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, चेतन मन, वेरी ट्रू राधिका, थर्ड माइंड अनकॉन्शियस माइंड, राइट? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। अभी जो भी रिपीटेड हम करते हैं एक्शंस ऑटोमेटिक मोड पर, गाली देना, गुस्सा करना, या कंपल्शंस करना, ओसीडी वाले करते हैं कंपल्शंस, डर जाते हैं, तो ये सब कहां से आता है? हम उसके लिए विचार नहीं करते हैं, कहां से आते हैं विचार? राधिका कैन यू टेल मी कहां से विचार आते हैं ये? कॉन्शियस माइंड, उसी टाइम पे हम वो चीज करते हैं, इंस्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से नहीं आते हैं। कॉन्शियस माइंड में आप विचार करते हो, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, फीलिंग ग्रेट, वाइब्रेंट, रीच द कॉन्शियस थॉट, मतलब जो जो आप क्रिएट करते हैं, खुद से क्रिएट करते हैं, लेकिन जो बिना क्रिएट करे ऑटोमेटिकली आपके मन में आ जाते हैं, दे आर द सबकॉन्शियस थॉट्स, द सप्रेस्ड थॉट्स। यस, वेरी ट्रू। देखो क्या है एक्चुअली, थॉट विदाउट थिंकिंग, जिसके पैटर्न बने हुए हैं, राइट, कम्स फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड, राइट? अब वहां से चाहे तो नेगेटिव थॉट आ सकता है, चाहे तो पॉजिटिव थॉट आ सकता है, बराबर। लेकिन वो कौन से थॉट्स आते हैं जो हमने कॉन्शियसली अंदर भेजे हैं? सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हालांकि बहुत पावरफुल माइंड है, लेकिन बेवकूफ है वो, उसको अक्ल खुद की नहीं है। मैं दुखी हूं, तथास्तु, मैं कभी नहीं ठीक होऊंगा, तथास्तु, नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन इन माय लाइफ, आई कैन नॉट चेंज, आई कीप ऑन सफरिंग, ये सारे जो विचार आप कॉन्शियसली अपने मन में डालते हो, राइट, बिकॉज ऑफ सफरिंग, दैट बिकम द पैटर्न ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, राइट? अब ये हमारा एक विचार आया, कोई भी थॉट, वेदर इट इज नेगेटिव और अनवांटेड वेज थॉट, अगर हम उसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देना मतलब हमने उसको विचार को लेकर कोई एक्शन लिया है, रिएक्शन किया है। जब हम एक्शन करते हैं थॉट पर, रिएक्शन करते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, राइट? बार बार जब हम नेगेटिव सोचते हैं, अनवांटेड थॉट्स को रिपीट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, एक न्यूरल पैटर्न तैयार होता है। न्यूरॉन्स आर द सेल्स ऑफ द ब्रेन, वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, लूप बनता चला जाता है। जितने ज्यादा बार आप नेगेटिव पैटर्न, गुस्सा करना, झूठ बोलना, या ऑब्सेशंस, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो, राइट, और कंपल्शंस, मतलब जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ एक्शंस, जिसको हम कंपल्शंस कहते हैं ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, राइट? तो ये वहां पर जो है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाते हैं, और विचार ना आए, ये आपके हाथ में है, आप बताइए मुझे। यस प्लीज, नो सर, राधिका बताओ, आर द थॉट्स इन योर कंट्रोल? राधिका प्लीज रिप्लाई मी, राधिका, नो सर, यस करेक्ट, वेरी राइट यू आर। मैंने राधिका से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि राधिका को हमको सभी को ब्लेसिंग देकर ठीक करना है, राइट? क्योंकि उनके फीडबैक, क्योंकि वो शी इज सफरिंग, शी इज द
client here with us, she's the patient with us, right? तो ये बात पक्की हो गई कि विचार हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में क्या है, उन विचारों को लेकर जो जो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन करना या न करना, ये हमारे हाथ में है. राइट, आर यू क्लियर? यस राधिका, आर यू क्लियर कि हम उसको उसके ऊपर हम एक्शन करें या न करें? राइट, ये अपने हाथ में है. अभी ओसीडी क्या है, बार 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 दुष्चक्र जो बना हुआ है, ऑब्सेसिव इंटरप्टिव थॉट्स, इमेजेस, अर्जेस हमारे मन में आते हैं और हम बहुत ज्यादा उन विचारों को परेशान होकर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं. जैसे हाथ धोना पानी से, बार बार नहाना, घर की सफाई करना, बाल को ढूंढना, रिपीटेड एक्शंस, रिएक्शंस आफ्टर द थॉट्स क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और भी ज्यादा उन न्यूरल पैटर्न्स, न्यूरल बॉन्डिंग्स को मजबूत करते हैं और फिर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हो जाते हैं ना कि न चाहते हो भी वो थॉट्स आपके मन में आते हैं और आपको परेशान करते देते हैं. यू गोइंग टू एंग्जाइटी और वो आपकी एंग्जाइटी, आपकी परेशानी आपको क्या करती है, उसे राहत पाने के लिए, रिलैक्सेशन पाने के लिए यू डू द कंपल्शंस. राइट, और जब कंपल्शंस करते हैं तो क्या होता है, आपको रिलैक्स फील होता है, थोड़ी देर के लिए विचार हट जाते हैं, आपको लगता है कि नाउ आई एम रिलैक्स्ड. लेकिन ये वहीं पर रुकता नहीं है, एक विशेष सर्किल बन जाती है, बार बार वही फिर विचार आते हैं, वही बेचैनी या व्याकुलता, घबराहट जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं. और एंग्जाइटी का ही लक्षण है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्शन, कंपल्सिव डिसऑर्डर. और फिर ये जो सर्किल है ना, हम इसमें से निकल नहीं पाते हैं. हमको अब क्या करना है, हमको इस सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न्स बने हुए हैं ना, उन पैटर्न्स को तोड़ना है. जब आप उन पैटर्न्स को हवा देना बंद करोगे, तब ये पैटर्न्स कहाँ चले जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में. अनकॉन्शियस माइंड क्या है, डू यू नो, कोई बता सकता है, व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? वो डस्टबिन है, वो डस्टबिन है राधिका. अगर आप अपने जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, नहीं वो खत्म हो जाते बेटा, वो डस्टबिन में चकचरा हमारे जो काम की हम डिलीट कर देते हैं ना, डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर में कुछ बैठते हैं, हमने डिलीट कर दिया तो खत्म, दैट बिकम्स आउट ऑफ आवर रीच नाउ, वो खत्म हो जाता है. राइट, अनकॉन्शियस माइंड जो डस्ट है. अभी हमको ओसीडी के प्रोसीजर में क्या करना है, एक्चुअली हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न डेवलप करने हैं जो आपके अंदर नहीं है, जो इंटरजिव थॉट्स हैं, जो निगेटिव थॉट्स हैं, जो बार बार आपको परेशान करते हैं, जो भी आपको हैरान करते हैं, वो थॉट बार बार जब आते हैं आप एंग्जाइटी में चले जाते हो और फिर एंग्जाइटी आपको फोर्स करती है कंपल्शन करने के लिए, और कंपल्शन करके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है. राइट, हाथ धोना, नहाना, रिपीटेड एक्शन जो होते हैं. पर क्या ये रिपीटेड एक्शन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को और भी ज्यादा कुपित करते हैं और ज्यादा स्ट्रोंगर करते हैं, और ये इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब इनको बदलना कोई दो चार पांच दिन की बात नहीं है. It may take six months time also to reverse those patterns. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा जो subconscious mind है ना, आपने सोचा मैं दुखी हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बेबस हूँ, मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाले नहीं है, मेरी लाइफ ऐसी चलेगी. राइट, इसकी जगह पर आपको क्या करना है, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आपको रखने होंगे वहां पर एवरी डे दो तीन दिन में आपके जो पैटर्न्स है ना, न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन सेल्स दूसरे सेल्स को उसका पैटर्न मतलब कनेक्ट हो जाता है, तीसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाता है, चौथा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाता है, दो तीन दिन के अंदर है ना ये अपने आप को न्यूरॉन ब्रेन में कनेक्ट करना चालू कर देते हैं. राइट, और अगर हम इसको कंटिन्यूसली करें तो दो से तीन महीने में दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर और 6 महीने के अंदर एक ऐसा पैटर्न डेवलप होता है कि वो आपके काबू में नहीं रहता है, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल. वो इतने ज्यादा ऑटोमेटिक मोड पे, जैसे गाली देते हैं लोग, गुस्सा करते हैं,
जैसे ऑब्सेशन आप लोग करते हैं ओसीडी वाले, तो ये जो है उसको तोड़ने के लिए इट माइट टेक मंथ्स टुगेदर। धीरे धीरे वो जो पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड का, उसको आपको कॉन्शियसली चेंज करना है। कैसे, मैं आपको सब सिखाऊंगा, इसके प्रैक्टिकल कराऊंगा। आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? राधिका, आर यू क्लियर टू दिस? यस यस। मतलब आपको क्या करना है बेटा, आपको है ना अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा फीड करना है ना, जो वहां के न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होके कुछ नया पैटर्न वहां डेवलप कर रहे हैं। 2-3 महीनों तक रोज करोगे आप, तो वो काफी जो आपके नए पैटर्न आप डेवलप करोगे वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और 6 महीने के अंदर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो नया पैटर्न आपका आपकी ओसीडी के प्रॉब्लम को टोटली खत्म कर दे। इट माइट टेक 6 months, 8 months टाइम, क्योंकि लंबे समय से आपको, जैसे 6 साल से है मेरे साथ, दूसरी बहन जो झारखंड से है यहाँ पर बसीन है, उनका भी कोई रिलेटिव है, ये कपल ऑफ यू कैन से डिकेड्स हो जाते हैं। एक एक व्यक्ति को 40 साल से ओसीडी था। मेरे पास जो केस हैं तीनों, एक को 22 साल हो गए, एक को 18 साल हो गए, कुछ 6 साल हो गए। तो इधर रिपीटेड पैटर्न जो होते हैं ना कई सालों तक, अब इतना ज्यादा पुराना पैटर्न है तो उसको भी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इट विल टेक सर्टन टाइम टू डेवलप द न्यू पैटर्न इन योर सबकॉन्शियस माइंड। समझ आया सभी को? इज इज क्लियर टू दिस पॉइंट? यस राधिका, समझ आया आपको? यस सर। राइट, अभी है ना थॉट कहाँ से आते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार आते हैं, विचार का ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थॉट्स? बताइए मुझे। 3 ओरिजिन हैं। इंफॉर्मेशन गई है कि मेरे हाथ गंदे हैं, या मैं साफ नहीं हूं, दी जाता है इंफॉर्मेशन यू गिवन टू योर सबकॉन्शियस माइंड अगेन एंड अगेन। राधिका, एम आई राइट? राधिका, यस। आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सिक्योर्ड, आई मस्ट क्लीन माई सेल्फ, आई मस्ट वॉश माई सेल्फ, राइट? ये इंफॉर्मेशन अंदर गई हुई है, वो स्टोर्ड है वहां पर। नंबर टू इज द बिलीफ्स। बिलीफ क्या बन चुका है कि मैं कंपल्शन नहीं करूंगी तो मैं कभी भी रिलैक्स हो नहीं पाऊंगी। दिस इज अ लिमिटिंग बिलीफ है आपका बना हुआ कि मैं ऐसा करूंगी तो ही मैं ठीक चल सकूंगी, जो आपको पता है यू डू नॉट वॉन्ट टू डू इट, बट यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। इतना जबरदस्त वो मजबूत पैटर्न बन चुका है ना कि यू आर नॉट एबल टू ब्रेक इट अप ऑन योर ओन, राइट? इसके लिए किसकी जरूरत होती है? साइकोलॉजिस्ट की, राइट? साइकेट्रिस्ट आपको दवाइयां देते हैं जो आप लेती हैं, आपने साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, उसे भी इलाज लिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है राधिका, ये प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों ने भगवान को इकट्ठा किया जो आप सभी के लिए, हम हर रोज हमारे सेशन में जब जब चलेगा ना आपको, हम आपके लिए EFT करेंगे, आपको ब्लेसिंग देंगे, आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, आपको अपने विजन में आपको देखेंगे जो आप बनना चाहते हैं। और हम यहाँ पर जो है निस्वार्थ भाव की सेवा करते हैं, और जो निस्वार्थ भाव की सेवा होती है ना उसमें भगवान अपना कार्य करता है। इसलिए आपको इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा मदद मिलेगी। कई लोग तो मेरे पास आते हैं कि हमने बहुत सारा ट्राई किया है, 5,000 रुपये एक सेटिंग का दिया है, बहुत सारे सेशन हो चुके हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ पर आपको निश्चित ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक परमात्मा की शक्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है, निस्वार्थ भाव का सेवा भाव हमारे साथ जुड़ा हुआ है, राइट? तो आप निश्चित इससे जरूर फायदा आपको मिलेगा, और मैं आपके साथ पर्सनली जुड़ा रहूंगा पूरे ग्रुप के साथ। जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे ना, तब तक मैं और आप काउंसलिंग में रहेंगे। सुन रही है ना आप रेणु जी? यस। तो तब तक राधिका बेटा मैं आपके साथ रहूंगा, और ये पूरे ग्रुप की दुआएं आपके साथ में हैं, राइट? यस सर, थैंक यू। अभी पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है बिलीफ्स। बिलीफ्स मतलब एक विचार जो अंतरात्मा स्वीकार कर लेती है, मैं साफ नहीं हूं, आई मस्ट क्लीन माई सेल्फ। और तीसरा होता है मेमोरीज, पुरानी जो बार बार अंदर गया है मेमोरीज के रूप में, वो विचारों के रूप में वापस आपके मेंटल स्क्रीन पर आता है। वो आपके वो थॉट्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जिनको आप नहीं क्रिएट करते हैं, दे आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले जो ऐसे विचार आते हैं अंतर मन से, उन विचारों को आपको बिल्कुल क्या करना है, उनको किसी भी हालत में
एक्ट उनके पीछे, रिएक्ट नहीं करना है. क्या करना है? उनको इग्नोर करना है, उनको रिजेक्ट करना है. जैसे हम माइंड टोनो कहते कैंसिल कैंसिल कैंसिल, कट कट कट, वो विचार को सामने जो आप चाहते हैं. मैं साफ नहीं हूं, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आई एम क्लीन, आई एम एब्सोल्युटली प्योर. ये मैं आपको सारा पर्सनली कराऊंगा, आपके साथ जो भी पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे ना यहाँ पहुंची जी में, मैं एक एक को अलग करूंगा. आज मैंने पहला दिन जो है वो लिया है, मैं आपको प्रैक्टिकल्स कराऊंगा इसके, आपको एक चार्ट दूंगा भरने के लिए, और फिर धीरे धीरे आपको चार्ट में मालूम पड़ता जाएगा कि व्हाट इज योर प्रोग्रेस. राइट नाउ हम कई बार क्या हो जाते हैं, माफी मांगते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं कि मेरे मन में मेरे ही सगे संबंधियों के प्रति बुरे विचार क्यों आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं. जब हम माफी मांगते हैं किसी बात के लिए, मतलब आपने स्वीकार किया है कि आई एम मिस्टेकन, तब भी सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इंटेंशनली आप अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो आपको माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है. राइट तीसरा है, मैंने बताया एक्शन गेट्स स्ट्रॉन्गर, और वो लंबे समय तक रहते हैं, उनको तोड़ने के लिए भी फिर से थोड़ा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होते चले जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार है, स्कूटर है, गाड़ी है, ईंधन जिसमें पड़ता है, अगर उसमें ईंधन नहीं पड़ेगा तो गाड़ी चलेगी? चलेगी गाड़ी? नो, कार कैनॉट मूव. स्कूटर आप चला रहे हैं, आप फ्यूल खत्म हो गया. तो जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के विचारों को लगातार ही एक्ट में लाते हैं, रिएक्ट करते हैं उनको, रिजेक्ट नहीं करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, तो विशियस साइकिल आपका, विशियस साइकिल आपका लगातार ही चलता रहेगा. यू कैनॉट ब्रेक दिस. उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स मैं आपको कराऊंगा, जैसे मैंने बताया 478, बेली ब्रीदिंग, रूलर ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग और रिफाइनिंग. ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं आपको रोज, जब भी मैं आपका काउंसलिंग लूंगा ना, राधिका सुन रही है ना आप, राधिका? Yes, मैं आपको है ना रोज कराऊंगा, ये प्रैक्टिकली कराऊंगा, टिल द टाइम यू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन दीज प्राणायामस. प्राणायाम क्या करता है? प्राण को बदलता है, प्राण मन को बदलता है, मन के बदलते ही दुनिया बदली जाती है. तो ये प्राणायाम आपको हेल्प करते हैं, दे मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर. मेडिटेशन भी क्या करता है, स्टार्टिंग में हमने आनापान करवाया, सांस को ध्यान रखवाया, तो ये हर रोज अगर किया जाए तो मन को सशक्त करने की प्रक्रिया है ध्यान. ध्यान वो एकमात्र ध्येय है ध्यान का कि जीवन की सभी बुराइयां समाप्त हो जाए. तो ये जो बीमारी है ओसीडी, ये भी मेंटल बीमारी है, मेडिकल साइंस के लिए इनक्यूरेबल है, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट कैन डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सेशंस, यू कैन डेफिनेटली कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड और एक दिन ऐसा आएगा जब इससे पूरी तरह बाहर हो जाओगे, क्योंकि इस ग्रुप में हम आपके लिए हमेशा ही प्रार्थना करते रहेंगे, EFT करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप हमेशा हमारी दुआओं में रहोगे. राइट अब सबसे पहले पहले आप जैसे ही सुबह को कल उठोगे, उठने के साथ ही आप एफर्मेशन लेते हैं. राधिका, डू यू स्टार्ट योर डे विद एफर्मेशन व्हेन यू गेट अप? यस टेल मी. नहीं लेते हैं. हाँ, तो एफर्मेशन जो है ना क्या होता है, ए थॉट विच इज पॉजिटिव पर्पसफुल, और उसको है ना आपको रिपीट करना है. जैसे फॉर एग्जांपल कल आप अगर सुबह का दिन शुरू करोगे ना, तो पहला थॉट है ना, क्योंकि आपका भारी मन शांत होता है, नींद से उठे हैं 10 मिनट तक, अगर आप एफर्म करते हैं थॉट्स को, वो थॉट्स डायरेक्टली आपके कॉन्शियस माइंड से बायपास होकर सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन दहाड़े आपने बोला आई एम फाइन, आई एम फंटास्टिक, I am great, I am absolutely healthy, absolutely fit and fine. ये जब आपका जागरूक मन होता है ना, वो स्वीकार नहीं करता है कि बेवकूफ बना रहे हो आप मुझे, मैं तो ठीक नहीं हूँ, I am absolutely healthy. तो सुबह उठने के साथ ही 10 मिनट का हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना वो डल होता है, हमारे ब्रेन की फ्रिक्वेंसी अल्फा में होती है. तो आप एफर्मेशन ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हैं, मैं आज जो भी सोचूंगी, बोलूंगी या करूंगी, अच्छा ही करूंगी. राइट क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको सब मिलेगा. मेरा एम जिंदगी का बहुत ऊंचा है, मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूं, और वो हर सब कुछ मैं अचीव करना चाहती हूं, जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा गोल है, जो मेरी एस्पिरेशन है. मेरी बुद्धि सक्षम है, आई गॉट डिवाइन इंटेलेक्ट विच कैन कैप्चर ऑल दीज थिंग्स. राइट मैं हर वो सही निर्णय जो मैं चाहती हूँ मैं ले सकती हूँ.
मेरा शरीर स्वस्थ है, मन शांत है और मैं जीवन को सदा ही आनंद में लेती हूँ। राइट, सबसे इंग्लिश में बोल देना। हाँ, सी आई टेल यू, सबसे पहला पहला एफर्मेशन आपको क्या लेना है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, ये सिखाया था इसको मैंने, दो चार दिन बोला फिर छोड़ दिया। हाँ, दिन ब दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। इसको आप रिपीट कर सकते हैं 7 times, 11 times, एक एक अफर्मेशन, 5 अफर्मेशन लेने हैं आपको, ओनली 5 अफर्मेशन। पहला फिर ले सकते हैं डे बाई डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, राइट। उसके बाद आपको अफर्मेशन क्या लेना है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बेस्ट मतलब व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, व्हाट यू फील इज ऑलवेज गुड, आई एम द बेस्ट। बेस्ट मतलब आप जो भी सोचती हैं, बोलती हैं, करती हैं, वो आपको सब अच्छा होता है। तो उसके लिए एक अफर्मेशन बनेगा और अफर्मेशन के साथ में आपको उसको पिक्चर बनाना है, पिक्चर बनाना है उसका और उसको फील करना है। अफर्मेशंस में फ्यूल जब एनर्जी करते हैं आप फीलिंग की तो मैनिफेस्ट होते हैं, थॉट प्लस फीलिंग इज मैनिफेस्टेशन, राइट। दूसरा आप थॉट इंग्लिश में ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू फील गुड थ्रू आउट द डे, आई आई एम गोइंग टू फील गुड थ्रू आउट द डे, राइट। आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई लाइफ गोल्स, मैं अपने जिंदगी के लक्ष्यों की तरफ बढ़ रही हूँ, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई गोल्स इन माई लाइफ, आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, राइट। ऐसे थॉट जो भी आपको, राधिका आप सुनो, जो भी आपको अपने बारे में लो फील कराते हैं, लो सेल्फ एस्टीम में आप चली गई हैं, उसके सामने एक पॉजिटिव थॉट को नहीं समझेगा तो आप मेरे को पूछो, आई इमीडिएटली गाइड यू। वो जो जो आपके इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं आपके मन में ना, उसका पॉजिटिव आप बनाओ एंड दैट विल बी योर बेस्ट अफर्मेशन। इज दैट क्लियर राधिका? यस। जैसे आप पढ़ाई करना चाहती हैं, आप अच्छी जगह सर्विस करना चाहती हैं, है ना, लेकिन आपका अंतर्मन बोलता है या मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे को टाइम नहीं है, तो जहां जहां आपको लगता है ना, आप ये भले मेरे को फोन करके मैं आपको बताऊंगा ये अफर्मेशन बना के दूंगा आपके, लेकिन कॉमन अफर्मेशन क्या है, हर दिन हर तरह से मैं बहुत पहले से अच्छी होती जा रही हूँ, मैं जिंदगी में लक्ष्य के साथ जी रही हूँ, अब मेरा सोच, मेरा बोल, मेरा कर्म मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है, जिंदगी अब पहले से ज्यादा बेहतरीन बनती जा रही है या हसीन बनती जा रही है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई, आई एम सो हैप्पी एंड डिलाइटेड दैट माई पेरेंट्स आर really feeling good about me. Radhika, is that clear to you? Yes, sir. कम से कम 5 affirmations आप बना सकते हैं और affirmations को आप लिख सकते हैं। एक बार लिखना चालू किया तो एक affirmation को 5 बार लिखो, फिर second को लिखो, फिर third को लिखो, फिर fourth को लिखो। Affirmation should be positive, present tense, और जो आपको चाहिए, आपका अंतर्मन क्या सोचता है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, उसका positive affirmation क्या बनेगा, I'm absolutely in control of my life. Clear हुआ? Okay. I am absolutely control of my life. Right? मैं वही करती हूँ जो मेरा जो मैं चाहती हूँ. I do whatever I want to do. ऐसा नहीं कि जो सब कुछ thoughts हैं मुझे, मैंने कहा action को तोड़ना है, reaction को तोड़ना है, उसको reject कर देना है और उसको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना उसके ऊपर, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, क्योंकि हमको खत्म करना है 8:30 बजे, भावना को दूसरा क्लास है, तो मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ये प्राणायाम्स तो मैं आपके लूंगा यहाँ पर, रोज मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा आपको, क्योंकि मेरे साथ बैठ के करोगे ना, मैं आपका एक एक का चेक करूंगा, मतलब जो भी मेरे पास आए हैं ना, राइट, जो भी मेरे पास आए हैं उनको, मतलब जो मेरे पास आएंगे, देखो करोगे तो पाओगे, मैं बता रहा हूँ, मैं तहे दिल से आपके साथ हूँ, लेकिन करना आपको, बदलना आपको है। आई विल गाइड यू एज ए साइकोलॉजिस्ट, आई विल गाइड यू एज ए वेल विशर, आई विल गाइड यू एज ए टीचर, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। राधिका, इज दैट क्लियर टू यू? यस हां जी। इसलिए मैं है ना आपके साथ बैठूंगा, 1-20 सेटिंग का 5,000 लोग लेते हैं और कई कई बार 20 सेटिंग के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ, क्योंकि आपकी माँ है ना,
मुझे बहुत दुआएं देती है, बहुत बहुत दुआएं देती है। उनकी दुआओं के वजह से है ना मैं इतना प्रभावित हुआ कि आज मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है भगवान ने। बिकॉज शी ऑलवेज ब्लेसेस मी इवन बिफोर यू आर करेक्टेड, शी ऑलवेज ब्लेसेस मी। दादी का सुन रही है ना आप? इसीलिए देते हैं जी सर। हाँ भाई जी, मैं राधिका को कुछ अपना एक्सपीरियंस, अगर आप परमिशन दें तो मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूं, शायद उसको इस चीज से कुछ इफेक्ट, मतलब कि कुछ अच्छा मिले तो उसमें से कुछ अपने लिए वो अच्छा पॉजिटिव कुछ सोच सके। जी प्लीज बी ब्रीफ, क्योंकि मुझे जो सेशन पूरा करना है और कुछ इनको होमवर्क देना है। बी वेरी ब्रीफ बोलो। सर मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मैं 20 साल से IBS की प्रॉब्लम से जो है वो कर रही थी उसको, वो मेरे ऊपर था। तो देन मुझे नहीं मालूम था कि वो प्रॉब्लम मतलब कि IBS की थी, कैसे उसको कंट्रोल करना, ये सब मुझे नहीं। मेडिसिन लेती थी, स्टमक मुझे लूज मोशंस रहते थे, एक एक दिन में 15-15, 20-20 बार, बस किसी की बातें मुझे लग जाती थी, मतलब घर का कोई भी कुछ होता बोलता था मुझे लग जाती, देन माइंड में निगेटिव थॉट्स उसके लिए सोच सोच के मैंने एक अंदर पता नहीं। लेकिन इधर रिसेंटली मुझे 2 साल से जब मुझे पता चला कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसका सलूशन क्या है, जब मुझे पता चल गया तो लिटरली वही अफर्मेशन थी काम आए हैं मुझे। मैं एवरी डे उसको यूज करती हूँ और मेरा रिजल्ट ये है कि मेडिसिन मेरी बिल्कुल बंद है, IBS बिल्कुल चला गया है मेरी लाइफ से। तो इसीलिए बस ये कहते हो गुड अफर्मेशन बहुत बड़ी मेडिसिन की तरह ये वर्क करते। थैंक यू। आप कौन बोल रही हैं? मैं ममता बोल रही हूँ सर जी। देखो राधिका, कुड यू हियर दिस राधिका? और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो न्यूरल पैटर्न्स अगर चेंज हो गए ना तो फिर ऑटोमेटिकली सारा काम कौन बिगाड़ता है? ये नेगेटिव थॉट्स, जिसको हम ऑब्सेशंस कहते हैं, राइट? थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा के जो है, पहले पहले जो है ना हम जो काम करेंगे ना वो CBT पे काम करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, CBT। यस सर। ओके, CBT पे काम करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। मतलब थॉट आया, बिहेवियर हुआ, थॉट आया, एक्शन लिया, बिहेवियर हुआ, रिपीटेड बिहेवियर हुआ, रिलैक्स मिला। मतलब OCD का जो सर्कल बनता है ना वो बनता है ऑब्सेसिव थॉट्स, एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से क्या होता है कंपल्शंस जो आप करते हैं, राइट? और उसे रिलैक्स हो जाता है। आप नहीं करते तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। इफ यू डू कंपल्शंस, आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग है ये सब, जो है एक्चुअली मानसिक बीमारी है। इसका इलाज तो किसी वैद्य के पास भी नहीं होता है, क्योंकि ये मन की बीमारी, वहम की बीमारी है। मेरे हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे थोड़ी हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत सारा कराऊंगा, इसके लिए प्रैक्टिकल प्राणायाम भी कराऊंगा, मेडिटेशन भी कराऊंगा आपके साथ। तो एक चार्ट भी मैं बना के भेजूंगा आपको, वो चार्ट आपको रोज भरना है। और मैं वायदा करता हूं कि जब तक आप पूरी तरह से बाहर नहीं आ जाओगे ना, तो मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका शुभचिंतक, मैं बाबा का बच्चा बनकर आपको मदद करता रहूंगा। दिस माय प्रॉमिस टू यू। मेरी जिंदगी में जो मैंने कभी भी OCD के बारे में इतना सोचा नहीं था, अब मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कितना भी महंगा कोर्स रहेगा ना इसके लिए मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको पूरी मदद करूंगा, जिसमें प्रॉमिस टू यू। मैंने आज भी सब ढूंढ के रखा है कि कहाँ मुझे जाना है और भी ज्यादा डिटेल जो लोग इसके कराते हैं ना, तो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। थैंक यू। उसके बाद में सबसे पहले अभी भी आने के बाद आधा घंटा लगा इसको हाथ धोने में, 7 बजे से 7:30 तक हाथ धोती रही है। तो पहले है ना लिस्ट बनाओ कि क्या क्या विचार आपको आते हैं। CBT का जो प्रोसीजर है ना, पहला पहला आपको विचार करना है कि लिस्ट बनाओ कि क्या क्या विचार मेरे मन में, राइट रहना पीस ऑफ पेपर, राइट? उसको है ना आप लिखो, मतलब रिकॉर्ड करो उसको, व्हाट आर थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स हैं या इमेजेस हैं या सब आपको लगता है ना, या फियर है, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद है ना क्रिएट प्रोडक्टिव थॉट्स, वो विचार करो जो आपके लिए कुछ कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। आपको कोई भी तकलीफ है तो यू आस्क मी, आई विल गिव यू द बेस्ट अफर्मेशंस। उसके बाद में क्या करना है, उसको बार बार पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट।
हम सबकॉन्शियस माइंड उसको माइंड पावर में इसको हम स्क्रिप्ट करते हैं राइट, इसको आईने के सामने एफर्मेंस को रिपीट करो राइट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप है ना बेस्ट एफर्मेशन जो रिपीटेशन होते हैं ना आंखों के सामने, आंख में आंखें डालते जैसे है ना ऐसे फीलिंग के साथ में आपको चाहिए तो मैं कराता हूँ अभी सभी है ना अपनी जगह पर. और उसके बाद में क्या है जो है आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता चला जाएगा, आप ज्यादा रिलैक्स होते जाओगे, आपके रेशनल थॉट चेंज होते जाएंगे, आपके अंदर जो निराशा भरी हुई है ना वो वापस आपके भविष्य को लेकर जो भरी हुई ना वापस आपका हम आशा में बदल देंगे. तो हम सभी अपनी जगह पर एफर्मेशन कैसे लेते हैं ना करा के वील फिनिश अप द सेशन, भावना को ज्वाइंट होना है, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, हम एफर्मेशन रिपीट करेंगे विथ फीलिंग एंड विथ यू कैन से द इमोशंस एज इफ यू हैव इट नाउ. रेडी, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, खड़े होके करो सभी, मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ एक एक एफर्मेशन को. यस, दोनों हाथों को पैरों में थोड़ा अंतर रखो, कम डिस्टेंस रखो और है ना ऐसे भगवान को देखते कहो माने जो भी आप कर रहे हैं ना आपकी जिंदगी की सच्चाई है वो. यस, रिपीट विथ मी, पहले मैं बोलूंगा फिर सभी ओपन करो एंड रिपीट विथ मी. यस प्लीज ओपन करो अपने आप को, यू हैव टू रिपीट इट विथ मी. यस यस, एंथुजियास्टिकली विथ फुल ऑफ विगर राइट, डे बाय डे इन एवरी वे in every way. I am becoming better and better. Better and better. Better. Zindagi haseen hai. Zindagi haseen hai. Zindagi lajawab hai. Zindagi lajawab hai. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is amazing. I love myself. I'm the great child of the universe. I'm the best. I can do it. I am the winner. Right? बैठो अपनी जगह पर. ऐसे affirmations को पांच पांच बार अगर आप repeat करोगे तो affirmations क्या हो जाएंगे 21 days में, it will 21 दिन तक affirmation अगर किए जाए रोज तो ये क्या करते हैं affirmations आपके अंदर जो neurons हैं उनके patterns को दो तीन दिन में ही connect करना मतलब वो develop होना चालू होते हैं. दो तीन महीने में मतलब 21 दिन तक ये क्या बन जाता है हमारी आदत बन जाती है. एक महीने में हमारा लाइफ पैटर्न बन जाता है और 6 महीने के अंदर वो इस कदर हमारे न्यू पैटर्न बन जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जिससे हमारी पूरी जिंदगी बदली हो जाती है. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू राधिका समझ.